अवैध शराब परिवहन करने वाले दो आरोपियों को सूर्यनारायण पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 50 पाव देसी प्लेन शराब, कुल 9 लीटर, एक मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर बरामद किया। आरोपी राजू उर्फ सतीश भारद्वाज एवं सुनील भारद्वाज के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही। नगर पंचायत खरोद निवासी राजू उर्फ सतीश भारद्वाज अपने अन्य साथी के साथ अवैध रूप से भारी मात्रा में देसी प्लेन शराब बिक्री करने हेतु मोटरसाइकिल से लोहरसी से खरोद की ओर जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर सूर्यनारायण पुलिस द्वारा खरौद मेन रोड के पास घेराबंदी किया, जहां दो व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक CZ22V7703 में आते हुए मिले, जिनको रोककर पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल चालक द्वारा अपना नाम सुनील भारद्वाज उम्र 27 वर्ष निवासी खरौद तिवारी पारा का रहने वाला बताया तथा दूसरा व्यक्ति द्वारा अपना नाम राजू उर्फ सतीश भारद्वाज उम्र 34 वर्ष निवासी खरौद तिवारी पारा का रहने वाला बताया। राजू भारद्वाज अपने हाथ में एक काले नीले रंग का बैग पकड़ा था, जिसकी तलाशी लेने पर 50 पाव देसी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 ml भरा हुआ कुल 9 लीटर मिला, जिसे बरामद किया। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया। आरोपी राजू उर्फ सतीश भारद्वाज उम्र 34 वर्ष एवं सुनील भारद्वाज उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी खरौद तिवारी पारा द्वारा अवैध शराब परिवहन करना पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रविंद्र अनंत, प्रभारी आरक्षक साहू एवं सूर्यनारायण पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेरा राम कश्यप की खास रिपोर्ट।